आज प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर श्री जे एस बघेल एवं सहायक अधीक्षक भू अभिलेख सुश्री शीतल सोलंकी, कलेक्टर कार्यालय के प्रभारी अधीक्षक श्री राजवीर चौधरी, राजस्व निरीक्षक श्री दिनेश भमोदिया, श्री भरत व्यास, जिला पंचायत के सहायक अधीक्षक विवेक पेंटर, श्री जयेंद्र सिंह राठौर, कलेक्टर कार्यालय से सतीश जैन, शहरी विकास से श्री योगेश रामपुरिया, श्री बारम सिंह मसानिया, प्रभारी डीपीसी श्री मदन लाल सांखला, प्रभारी पीआरओ श्री सुधीर सिंह कुशवाहा एवं बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में मौन धारण किया। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी 2022 को मौन धारण करने हेतु प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को प्रातः 11 सारे देश में उन शहीदों की स्मृति में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान दिया है 2 मिनट का मौन रखा जाता है और कार्य तथा गतिविधियां रोक दी जाती है। इस दिन को व्यापक रूप से आम जनता की भागीदारी से मनाए जाने के लिए हर वर्ष 30 जनवरी को पूर्वान 11 बजे प्रदेश भर में कार्य और अन्य गतिविधियां रोक दी तथा 2 मिनट का मौन रखा गया। 2 मिनट का मौन शुरू होने की सूचना 10:59 से 11 बजे तक सायरन बजाकर दी गई। फिर 2 मिनट बाद 11:02 से 11:03 तक ऑल क्लियर सायरन बजाया गया। सभी व्यक्ति सिग्नल सुनकर जहां उपलब्ध हो वहीं खड़े हो जाए और मौन धारण करें। उन स्थानों पर जहां कोई सिग्नल प्रणाली उपलब्ध नहीं है सभी संबंधितों को प्रातः 11 बजे 2 मिनट का मौन का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन किया गया। झाबुआ मध्य प्रदेश से राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।